आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में जानेंगे जो पहले 21,000 की थी और आज वो 862 अरब रुपयों की मालिक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ऐसी इंफॉर्मेशन लेते हैं जो बहुत ही अमेजिंग है, तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो एक बार एक करोड़पति आदमी से ये पूछा लग गया कि आपको BMW लेने के लिए कितना वक्त, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि उन्हें 5 से 6 साल लगेंगे। एंकर इस जवाब से आश्चर्यचकित हो गया। तो उस करोड़पति आदमी ने कहा कि क्योंकि BMW बहुत बड़ी कंपनी है, उसे खरीदने के लिए उसे 5 से 6 साल तो लगेंगे। और वो करोड़पति थे रतन टाटा, जिन्होंने अभी अभी कोरोना रिलीफ फंड के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए और उन्हें भारत के बेटे और फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। तो चलिए आज हम जानकारी लेंगे टाटा ग्रुप लिमिटेड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं 1868 से, जब जमशेद जी नुसरवान जी टाटा ने 21,000 की पूंजी के साथ एक कंपनी शुरू की जो ट्रेडिंग पर ध्यान देती थी, जो आगे जाकर टाटा ग्रुप में बदल गई। 1874 में जमशेद जी टाटा ने मुंबई में कपड़े की फैक्ट्री खोलने की बजाय नागपुर में खोली। 1886 में सरकार से ऑर्डर मिलने से पहले ही टाटा कंपनी ने कर्मचारी कल्याण कर दिया था। इसका मतलब 1886 से ही टाटा कंपनी कर्मचारियों का कल्याण ही देखती है। तो चलिए देखते हैं टाटा ग्रुप की उन कंपनियों की लिस्ट जो उन्होंने बेची, खरीदी और स्थापित की। 1892 में विद्यार्थियों के विदेश में पढ़ने के लिए JN एंडोमेंट फंड की स्थापना की गई। 1903 में टाटा कंपनी ने ताज होटल बनाया, जो आज कोरोना के खिलाफ लड़ रहे डॉक्टर्स, कर्मचारी और नर्सेस का के लिए रहने के लिए रखा गया है। उसके बाद ताज होटल की ब्रांच यमन, UK और लंदन में भी खोली गई। 1903 में टाटा स्टील की स्थापना हुई और 1909 में भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई। 1910 में टाटा पावर की स्थापना हुई और 1917 में मोती और हमाम साबुन हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेचा गया। 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना हुई और 1936 में टाटा इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। 1939 में टाटा केमिकल्स की स्थापना मिथापुर में हुई। 1941 में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की स्थापना की गई। 1952 में लैक्मे कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेची गई और 1954 में वोल्टास कंपनी की स्थापना हुई। 1962 में टाटा ग्लोबल बेवरेज की स्थापना हुई और 1968 में TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो भारत की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी बनी, उसकी स्थापना हुई। 1984 में टाइटन कंपनी की शुरुआत हुई। टाइटन कंपनी को तनिष्क कंपनी के साथ जोड़ा गया। आगे 1991 में टाटा मोटर्स की शुरुआत हुई। 1998 में टाटा सफारी और टाटा इंडिका जैसी SUVs निकली। 2000 में टाटा टी कंपनी ने ब्रिटिश टाइटले कंपनी को खरीदा। 2001 में टाटा AIG नाम की इंश्योरेंस कंपनी खोली गई। 2002 में टाटा कंपनी ने VSNL के साथ मिलकर टाटा कम्युनिकेशन बनाया। उसके बाद 2004 में टाटा कंपनी ने डेवू मोटर्स, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, उसे खरीदा। 2006 में टाटा स्काई DTS सर्विस लॉन्च की गई। 2007 में यूरोपियन कंपनी कोरस को खरीदा गया। 2008 में गरीबों की कार टाटा नैनो को बनाया गया। इसी साल जैगुआर लैंड रोवर की हिस्सेदारी खरीदी गई। 2007 में टाटा ब्रेवरेज और टाटा केमिकल को मिलाकर टाटा कंज्यूमर बनाया गया। टाटा कंपनी में 7,22,281 मेंबर्स काम करते हैं, जिनका 862 अरब रुपयों का रेवेन्यू है। रतन जी टाटा दुनिया के सबसे दानशूर व्यक्तियों में से है। वो अपनी इनकम का 70% इनकम चैरिटी को दे देते हैं। अगर उन्होंने वो चैरिटी देना बंद कर दिया तो शायद वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। इन सब कार्यों के लिए टाटा ग्रुप को सलाम। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी और चौंका देने वाली लगी तो उस लाइक वाले बटन को जोर से दबाइए और हमारे चैनल हिस्ट्री एंड फ्यूचर को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।